चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला अब तेज होगा। मुख्य सचिव डीजीपी ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कई आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश यहां पर दिए गए। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के भी निर्देश दिए गए। तो बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज करने का निर्देश यहां पर दिया गया। और शिवम मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। शिवम, चिटफंड कंपनियों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, यह हम कह सकते हैं? बिल्कुल अभितोष, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि चिटफंड कंपनियों की जो मुश्किलें हैं वो अब और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों ये देखने को मिला था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जिले के कलेक्टर और एसपीओ की जो है बैठक कर इस बात के साफ निर्देश दिए थे कि चिटफंड कंपनियों के जो मामले हैं, जो मामले लंबित है लंबे समय से, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए और जो भी निवेशक थे जो इस पूरे चिटफंड मामले में फंसे हुए थे उनकी जो रकम है वो जल्दी वापसी की जाए। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समय समय पर इसकी समीक्षा करते रहे और समीक्षा के बाद आज एक बार फिर ये चीज देखने को मिली कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन और प्रदेश के डीजीपी कुलदीप जुनेजा के साथ गृह विभाग के जो अपर सचिव हैं सुब्रत साहू, उन्होंने आज पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के आईजी एसपी और कलेक्टरों की बैठक ली है। इस बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा की गई। इसके साथ ही विस्तार से एक रिपोर्ट देखी गई सभी आईजी और जिला के पुलिस अधीक्षकों से कि चिटफंड कंपनियों के कितने मामले लंबित है और कितने मामले अभी जो है वो चल रहे हैं और कब तक इस मामलों का जो है इसे सुलझाया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों की समीक्षा आज एक बार फिर की गई है। एक नए निर्देश भी दिए गए हैं कि जो चिटफंड कंपनियां हैं उन कंपनियों के जो डायरेक्टर अन्य मामलों में जो अन्य प्रदेशों के जेलों पर जो बंदी बने हुए हैं उन्हें तत्काल प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाए और तमाम मामलों को जो है जल्द सुलझाया जाए। इसके साथ ही जो उनके संपत्तियाँ हैं, जो इतने बड़े करोड़ों की संपत्तियाँ बना करके रखे गए हैं, उन संपत्तियों को तत्काल रूप से कुर्क किया जाए। तो इस बैठक में मुख्य रूप से जिला कलेक्टर भी मौजूद थे, इस बैठक में पुलिस अधीक्षक जिलों के मौजूद थे। निर्देश यहां पर दिए गए हैं।